सब्सक्राइब कीजिए टैग्स द यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल के आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फराज और आप देख रहे हैं टैग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने एक ही राउटर यानी एक ही हमारे पास टीपी लिंक का राउटर है उसके अंदर हम दो SSID यानी कि दो वाईफाई नेटवर्क किस तरह से बना सकते हैं और जो हम दूसरा वाईफाई नेटवर्क बनाएंगे जिसको हम गेस्ट नेटवर्क भी कहते हैं उसको जो है हम अपनी मर्जी की स्पीड लिमिट किस तरह दे सकते हैं ताकि अगर हम दूसरे लोगों को वाईफाई दें तो हम अपनी मर्जी की स्पीड जो है उनको दे सकें, यानी कि 1 MB, 2 MB या 5, 10 जितने MB भी आप देना चाहते हैं अपनी मर्जी से आप दे सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल टैक्सी सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो शुरू कर दें तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जो है अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में या अगर आप अपना मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल में भी बिल्कुल सेम मेथड है। आप लोगों ने अपने कंप्यूटर लैपटॉप या मोबाइल में जो है ब्राउज़र को ओपन करना है, कोई भी ब्राउज़र आपके पास उसमें ओपन करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर IP लिखनी है 192.168.0.1। आपके राउटर में .0.1 भी हो सकता है लास्ट में और .1.1 भी हो सकता है, .1.0 भी हो सकता है। तो आप लोगों ने जो है राउटर के पीछे देख लेना, उसके पीछे जो है IP आप लोगों की लिखी हुई थी, लॉगिन IP। मेरे पास टीपी लिंक का राउटर और मेरी IP है, मैंने IP यहाँ पे लिखी और मैं यहाँ पे करता हूँ इंटर। जैसे आप लोग इंटर करेंगे यहाँ पे आपसे जो है पासवर्ड मांगेगा, आप लोगों के राउटर के पीछे पासवर्ड लिखा हुआ होगा या फिर आप लोगों ने जिससे नेट लिया जो आपका ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उससे जो है आप लोगों ने यहाँ पे उसका राउटर का पासवर्ड ले लेना, लॉगिन पासवर्ड। तो मुझे अपने राउटर का पासवर्ड पता है, एडमिन जो है बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है, एडमिन यूज़र नेम पासवर्ड होता है, सिर्फ अगर पासवर्ड मांग रहा तो एडमिन होता है। मुझे अपना पासवर्ड जो है यहाँ पे पता है तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल के जो है यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं जो है यहाँ पे अपने राउटर के मेन पेज में लॉगिन हो चुका हूँ, यानी जिसे हम राउटर का पैनल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया। उसके बाद जो है आप लोगों के पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आप लोगों के पास नज़र आएगा आप लोगों का राउटर का। यहाँ पे आपने किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ना वरना आप लोगों के इंटरनेट में जो है कोई भी मसला भी हो सकता है, पैनल में कोई सेटिंग भी आउट हो सकती है। हम लोग तो जितना मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ जो समझा रहा हूँ जिस तरह से आप लोगों ने जो है सिर्फ उसी सेटिंग को छेड़ना है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है यहाँ पे राउटर का मेन पेज लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे आने गेस्ट नेटवर्क में क्लिक करना है। गेस्ट नेटवर्क यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आप लोगों के पास जो है इंटरफेस नज़र आएगा। आप लोगों ने जो है यहाँ पर सबसे पहले स्पीड लिमिट लगाने से पहले आप लोगों को गेस्ट नेटवर्क क्रिएट करना ज़रूरी है। जब तक गेस्ट नेटवर्क क्रिएट नहीं करेंगे तब तक जो है आप लोग किसी को भी अपनी मर्जी के हिसाब से स्पीड लिमिट लगा के नहीं दे सकते। गेस्ट नेटवर्क पर आने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने जो है यहाँ पे लिखा हुआ आप लोगों को नज़र आएगा नेटवर्क नेम, लिखा नेटवर्क नेम। अगर यहाँ पे आप लोगों के पास डिसेबल हुआ हुआ इस तरह तो आप लोगों ने यहाँ पर जिसको इनेबल पे करके यहाँ पे नेटवर्क नेम आप लोगों के पास जो तमाम सेटिंग शो हो जाएगी। यहाँ पे नेटवर्क नेम में आप लोगों ने अपनी मर्जी का वाईफाई का नेम दे लेना है, जो भी आप लोग नाम देना चाहते हैं, अपना नाम लिखना है, कुछ भी आप लोग लिखना चाहते हैं यहाँ पे जो है आप लोगों ने नाम लिखना है। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स गेस्ट नंबर, यानी कि कितने लोग जो हैं आप लोगों के इस गेस्ट नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 32 मैक्सिमम बहुत है, इतने ज़्यादा कोई वैसे भी इस्तेमाल तो करता नहीं होता। तो आप लोग अगर यहाँ से चेंज करना भी चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप 100 200 या जैसे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखा है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में आप लोगों के पास जो है यहाँ पे इस तरह से हुआ हो डिसेबल वायरलेस सिक्योरिटी, आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करके जो इसको WPA/WPA2 या फिर WPA2 या /WPA3 पे कर लेना। बेहतर है कि आप लोग इसको WPA/WPA2 पे रखेंगे क्योंकि कुछ मोबाइल जो है WPA/3 को जो है सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे कर लेने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वायरलेस पासवर्ड, यहाँ पे आप लोगों ने अपने वाईफाई का पासवर्ड दे लेना है, जो भी आप लोग इस गेस्ट नेटवर्क का पासवर्ड देना चाहते हैं। याद रहे आपके मेन जो है मेन वाईफाई का पासवर्ड नहीं होगा, जो आप लोग गेस्ट नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं उसका पासवर्ड होगा। यहाँ पे आप लोगों ने वाईफाई का पासवर्ड दे लेना, मैं यहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस टाइम, यहाँ पे शेड्यूल है और टाइम आउट है। इसका मतलब ये है कि शेड्यूल में अगर आप जो है शेड्यूल बनाते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे कितने दिन में कितने हफ्ते बाद जो आपने अपना वाईफाई गेस्ट नेटवर्क जो स्टार्ट करना है और बंद करना है यहाँ पे आप लोग शेड्यूल लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे टाइम आउट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है सीधे से आप जो है हार्स और मिनट यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम नहीं छेड़ रही है, जैसे मैंने आपको समझाना था। तो इस तरह से जो है आप लोग अपने गेस्ट नेटवर्क क्रिएट करेंगे, तमाम सेटिंग करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने कर देना है सेव के बटन पर क्लिक। जो ही आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे थोड़ी सी लोडिंग होगी, उसके बाद जो है आपका राउटर ऑटोमेटिक रिबूट होगा। रिबूट होने के बाद जो है आपका गेस्ट नेटवर्क जो है तैयार हो जाएगा, खुद को क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को चेक भी करवाता हूँ, ये जो है मेरा गेस्ट नेटवर्क यहाँ पे आ चुका है। ये देख सकते हैं आप लोग, इट्स फराज जो है हम लोगों ने नाम रखा था, यहाँ पे हमारा गेस्ट नेटवर्क जो है आ चुका है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो है स्पीड लिमिट किस तरह से लगानी है, जो हमारा जो मेन टॉपिक है।
स्पीड लिमिट जो है आप अपनी मर्जी से अगर किसी को लगा के देना चाहते हैं, जो मतलब कि आप लोग जिसको वाईफाई देना, आपके गली मोहल्ले में किसी को वाईफाई देते हैं, जैसे अक्सर 200 300 500 रुपये में जो है आप हम पासवर्ड देते हैं बाहर गली मोहल्ले में अपने, किसी रिश्तेदार को देते हैं, किसी को गेस्ट वगैरह कोई भी है तो हम देते हैं, तो आप लोग जो अपनी मर्जी की स्पीड लगाने के लिए सबसे पहले उसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे बैंडविड्थ कंट्रोल में। ठीक है, बैंडविड्थ कंट्रोल में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो है इस तरह से नजर आएगा, आप लोगों ने यहाँ पे इनेबल बैंडविड्थ कंट्रोल पे क्लिक कर लेना, उसको चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इनग्रेस बैंडविड्थ और इनग्रेस बैंडविड्थ, इसको जो है आप लोगों ने इस तरह से यहाँ पे 999 कर लेना, 5 से 6 दफा आप लोगों ने यहाँ पे 99 कर लेना। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आप लोगों ने जो है इनग्रेस बैंडविड्थ में भी 99 कर लेना। यहाँ पे करने के बाद इसको आप लोगों ने करना है यहाँ से सेव। सेव करने के बाद आप लोगों ने आना है वापस गेस्ट नेटवर्क में। गेस्ट नेटवर्क में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, आप लोगों ने पहले ऑप्शन को जो है डिसेबल लेने देना है, यानी कि अलाउ गेस्ट टू एक्सेस माय लोकल नेटवर्क, इसको आप लोगों ने डिसेबल लेने देना। उसके नीचे यही 2 ऑप्शन है गेस्ट नेटवर्क आइसोलेशन, इसको इनेबल करना है सबसे पहले। उसके बाद आप लोगों ने गेस्ट नेटवर्क बैंडविड्थ कंट्रोल, इसको भी आप लोगों ने यहाँ से इनेबल कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप लोगों को सेम वही दोनों ऑप्शन दिखाई देंगे, इनग्रेस बैंडविड्थ और ईग्रेस बैंडविड्थ और इनग्रेस बैंडविड्थ, यहाँ पे मिनिमम बैंडविड्थ और मैक्सिमम बैंडविड्थ, यानी कि ये जो है आप लोगों की दोनों अपलोड स्पीड है और ये जो है डाउनलोड स्पीड है। यहाँ पे आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से जितने भी आप लोग गेस्ट नेटवर्क में जो है स्पीड देना चाहते हैं लोगों को अपनी यहाँ पे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों का 10 MB यानी कि 10 MBPS का इंटरनेट कनेक्शन आप लोगों ने लिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से जो है अगर आप गेस्ट नेटवर्क में 5 MB की स्पीड देना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे तरफ से 5 लिखेंगे और 3 दफ़ा 0 लगाएंगे यहाँ पे, यानी 5000 का मतलब होता है 5000 KBPS का मतलब होता है कि 5 MB, यानी कि 5 MB का मतलब 5 MB होता है इसका मतलब। अगर आप यहाँ पे 4 MB देना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे 4 यानी कि 4000 लिखेंगे, इसका मतलब हुआ कि 4 MBPS आप लोग डेट देंगे। इस तरह आप लोग यहाँ पे अगर 5 MB देना चाहते हैं 5 MB 5000 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ पर भी और मैक्सिमम बैंड में भी और इधर भी 5000 लिख के इस तरह से आप लोगों ने जो है यहाँ पे इसको सेव कर देना। ठीक है, तो ये आप लोगों की जो है बैंडविड्थ लग चुकी है। इसके बाद जब आप लोग यहाँ पे सेव करेंगे गैस नेटवर्क तो आप लोगों का राउटर जो है एक दफा से फिर दोबारा रिबूट होगा, यानी कि रिस्टार्ट होगा। आप लोगों को घबराना नहीं है, कोई सेटिंग आप लोगों कुछ आउट नहीं हुआ, यहाँ पे जो आप लोगों की लिमिट लग चुकी है और गैस नेटवर्क भी तैयार हो चुका है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरी जो है अभी मेरा जो मेन मेरा जो वाईफाई है वो कनेक्ट हुआ हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे साइलेंट फराज के नाम से ये कनेक्ट हुआ हुआ है। मैं आप लोगों को पहले अपने इंटरनेट की स्पीड टेस्ट करवाता हूँ, उसके बाद जो हमने गैस नेटवर्क क्रिएट करा उसकी जो है स्पीड टेस्ट कराऊंगा। यहाँ पे मैं speedtest.net वेबसाइट खोल लेता हूँ और यहाँ पे इंटर करता हूँ। इंटर करूँगा तो यहाँ पे हम जो है गो के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी स्पीड, तो मेन जो मेरा वाईफाई लगा हुआ है उसकी स्पीड यहाँ पे आप लोगों को शो होना शुरू हो जाएगी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो डाउनलोड स्पीड है और अपलोड स्पीड है वो यहाँ पर 15 MB आ रही है, यानी कि 15.38 MB जो है यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये जो है मेरा मेन वाईफाई कनेक्ट है। अब जो हमने गेस्ट नेटवर्क तैयार कर रहा था इट्स फराज के नाम से, उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं कनेक्ट करने के लिए अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ और फिर आप लोगों को जो यहाँ पे मैं अपनी स्पीड टेस्ट करवाता हूँ उसके गेस्ट नेटवर्क की जो हमने क्रिएट किया। दोबारा से हम speedtest.net वेबसाइट को जो है रिबूट कर लेते हैं, रिलोड कर लेते हैं और यहाँ पे जो है हम इसको यहाँ पे गो के बटन पे क्लिक करते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि हमारी स्पीड जो है 4 से 5 MB के दरमियान में आएगी। जैसा कि आप लोगों के बिल्कुल सामने हमने जो अपना गेस्ट नेटवर्क में लिखा था 5000 यानी कि 5 MBPS स्पीड, वो यहाँ पे जो हमारी बिल्कुल शो हो रही है 4.35 MB, यानी कि मैक्सिमम ये जो है 5 MB ही है, ये यहाँ पे शो करवा रहा है 4.5 MB स्पीड हमारी। आज आप लोग को आज मैंने दिखाया है कि हम लोग गैस नेटवर्क किस तरह से बना सकते हैं टीपी लिंक राउटर में और स्पीड लिमिट किस तरह से लगा के दे सकते हैं दूसरे लोगों को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले कुछ दिनों में जो है मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोग जो है टीपी लिंक राउटर में किसी एक पर्सन का, किसी एक बंदे का वाईफाई जो है किस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं। अक्सर होता ही है कि हमें जो है कोई वाईफाई ऐसा कनेक्ट हुआ दिखता है हमारी डिवाइस में जिसको हमने पासवर्ड नहीं दिया होता या गलती से हमने डाल दिया उसके मोबाइल में, फॉरगेट करना भूल जाते हैं। तो उस बंदे का सिर्फ एक मोबाइल का आप जो है वाईफाई किस तरह से बंद कर सकते हैं बजाय पूरे वाईफाई का पासवर्ड चेंज करें। पूरे वाईफाई का पासवर्ड चेंज करते हैं तो आप लोगों को भी परेशानी होती है दूसरे मोबाइलों में, फिर कंप्यूटर में, लैपटॉप में पासवर्ड दोबारा से डालना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग जो है सिर्फ एक मोबाइल का या दो मोबाइल का जितने भी आप चाहें वाईफाई किस तरह से बंद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। अगर कोई आप लोगों के पास सवाल है
TP-Link राउटर की सेटिंग के हवाले से कोई और सवाल है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझसे पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।